गुलबर्गा के नौजवानों ने एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट का होटल डिज़ाइन किया और यहाँ पर डिलीशियस फूड भी आपको सर्व किया जाएगा। सीफान बैठक के नाम से गुलबर्गा नॉर्थ के हागरगा रोड पर बिल्कुल शहर के बीचों बीच एक ज़बरदस्त होटल आपके लिए लाए हैं। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम फर्स्ट टाइम गुलबर्गा की आवाम के लिए नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने में आएगा। बिल्कुल डिज़ाइनिंग अलग तरीके से किया गया है और यहाँ पर डिलीशियस डिशेस वेज और नॉन वेज में आपको सर्व किए जाएंगे। कई वैरायटीज़ के चिकन में डिशेस हैं, वेज में डिशेस हैं। आप यहाँ पर जाकर ज़बरदस्त चाय का भी मज़ा ले सकते हैं। कई टाइप्स के डिकाशन वगैरह भी सर्व किए जाएंगे। स्टार्टर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल है, जूसेस हैं, नूडल्स में कई वैरायटीज़ के नूडल्स आपको मिलेंगे। इस होटल का कॉन्सेप्ट एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन किया गया है, कुछ गुलबर्गा के नौजवानों ने मिलकर सीफान बैठक के नाम से आपके लिए लाए हैं। तो ज़रूर सीफान बैठक पे विज़िट करें। यहाँ पर बिल्कुल एक अलग तरीके का माहौल बनाया गया है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर आपको ओपन स्पेस में एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट का होटल बनाया गया है। इसमें आपको वाईफाई फैसिलिटीज़, चार्जिंग के केबल्स वगैरह भी आपको बैठे जगह पर यूज़ करने के लिए सीफान बैठक ने आपके लिए लाए हैं। तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर जाकर एंजॉय करें। और इस प्रोग्राम में गुलबर्गा के कई दिग्गज हस्तियाँ जैसे कि डॉक्टर सिराज बाबा साहेब और अली मिलाई और कई सारे डिग्निटरीज़ भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे, इनॉग्रेशन के दौरान मौजूद थे। और सभी ने इस कॉन्सेप्ट को पसंद किया और काफ़ी अप्रिशिएट किया और गुलबर्गा की आवाम से यहाँ पर आकर ज़रूर विज़िट करने की अपील भी की। आज गुलबर्गा शहर में हागरगा रोड पर एक नया वेंचर बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ, एक बहुत ही नए स्टाइल के साथ यहाँ पर जो सीफान बैठक है वो यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस कैफ़े को बनाया गया है जहाँ पर जो वेस्टेज चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर और बहुत ही नेचुरल तरीके से यहाँ पर एक क्रिएटिवनेस के साथ यहाँ पर ये पूरा कैफ़े को डिज़ाइन किया गया है। इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही एक अट्रैक्टिव लेवल पर इसको बनाया गया है ताकि यहाँ पर जो भी लोग आकर यहाँ पर बैठेंगे तो उनको एक नेचुरल फीलिंग यहाँ पर आएगी। तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं खासकर नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़रूर यहाँ पर सीफान बैठक को ज़रूर विज़िट करें और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक क्रिएटिवनेस दिखाई देगा। यहाँ पर लकड़ी के अंदर पूरी चीज़ें बनाई गई है और जो वेस्ट जो टायर्स होते हैं उन टायर्स को इस्तेमाल किया गया है और जो इसका जो लाइटिंग सिस्टम है वो भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। तो मैं यही अपील करता हूँ तमाम लोगों से कि ज़्यादातर लोग ने जो गुलबर्गा के अंदर हम देख सकते हैं आए दिन डेवलपमेंट हो रहा है, नौजवानों के अंदर एक क्रिएटिवनेस आ रही है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जो सीफान बैठक जो एक बनाए हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। थैंक यू सो मच। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलबर्गा के अवाम के लिए ये सीफान बैठक होटल की इनॉग्रेशन है आज, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। तो आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ पर विज़िट करिए। ये इंटीरियर इसका डिज़ाइन किए हुए हम लोग, मतलब पूरा हर चीज़ जो भी डिज़ाइन किए जो भी नेचुरल वेस्टेज में बनाए हुए हैं अपने हाथों से क्रिएटिव किए हुए हैं। मेरा भाई छोटा एकदम और दो भांजे हैं और लोग हम चार लोग मिलके बनाए। सर आपके दिमाग में कैसा है कि ये आइडिया जो है ना ये कॉन्सेप्ट बनाने का मैं सोच कर सकता हूँ? ये जो नॉर्थ गुलबर्गा में है एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सभी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है साउथ में ही हो रहा है। यहाँ पे कोई ट्राई नहीं कर रही है साउथ में नॉर्थ में जो इंटीरियर कुछ होना या कुछ डेवलपमेंट होना। नहीं, कुछ कंस्ट्रक्शन भी है तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है डेवलपमेंट, यहीं पर है। ये जो चीज़ें आपने बनाई है कैसे सोच के किस तरीके से आपने आपके हाथों से? जनरल डेली माइंडसेट चेंज हो रहा था कि ये यहाँ पे डिज़ाइन करो, ये यहाँ पे डिज़ाइन करो, ये कॉन्सेप्ट चल रहा था कुछ ऐसा। मतलब पर्सनली सोच के खास तौर पे ऐसा नहीं बनाए थे, डे वाइज जैसा जैसा प्लान आ रहा था हम लोग वैसा वैसा क्रिएट कर रहे थे।
एक और बात, आपके पास ऐसा क्या स्पेशल है खाने में जिससे आवाम आपके पास अट्रैक्ट होकर आना चाहे? ये अल्हम्दुलिल्लाह जो संबोली है हम लोग की तरफ से संबोली है, स्पेशल है, छोले भटूरे है, 65 छोले है जो शायद इंशाल्लाह गुलबर्गा में कहीं भी नहीं है, टेस्टी है, टेस्ट बनाए हम लोग, हैदराबाद के शेफ है हमारे पास इंशाल्लाह। और दूसरी क्या ऐसी वैरायटीज है जिससे 8 to 10 टाइप्स के डिकॉशन है जो टी बैग्स के आते हैं स्पेशली, वो टी बैग्स में डिकॉशन बनाए हुए हम लोग जो जैसे हर कोई अलग अलग वे में बनाते हैं, अपने पास रेडीमेड है। आपके जो कैफे का नाम है वो काफी यूनिक है, तो वो कैसे आपके दिमाग में आया? ये एक्चुअली सिफान मेरी कंपनी का नेम है जी, जो इसके डिटेल्स में नेक्स्ट यूनिट में बताने वाला हूँ गुलबर्ग के आवाम के लिए सबको, उसकी डिटेल्स जो भी है, कंपनी एक्चुअल है क्या, क्या करी कंपनी, क्या है क्या नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट अलग है मेरा, तो ये कंपनी का नेम मेंशन करना था मेरे को क्योंकि आप तक पहुँचाना था आप सब तक, उसके लिए सिफान रखा। और बैठक जो आज यूथ जो चल रहा है आज क्या चल रहा है, सिर्फ बैठक बैठक ही कर रहे, कहीं जा रहे तो उधर बैठ जा रहे, घर वालों की चल रही नहीं, मतलब घर पे जा रहे नहीं कर रहे नहीं, बाहर ही बैठक चल रही, तो मैं सोच के वो सोच के ही डाला कि बैठक इधर उधर करना करने से बेटर है जो रोडों पे बैठ रहे हैं इधर उधर कटों पे। चाय में भी कुछ आपके पास यूनिक आइटम्स है चाय में? केसरी चाय है, केसर की जो एक्चुअल केसर के जो स्टिक्स आते हैं उसी की चाय है। तो आप गुलबर्गा की जो यूथ है उनसे क्या कहना चाहेंगे? एक विजिट करें, यहाँ पे नेचुरल है, हर चीज़ है देखने को मिलेगा, कुछ कॉन्सेप्ट अलग है, फ्री वाईफाई है यहाँ पे, चार्जिंग पॉइंट्स है जो गुलबर्गा में कहीं पे भी नहीं है ये कॉन्सेप्ट, तो ख़ास तौर पे मैं मेरे भाई ने मिलके प्लान किए कि वाईफाई प्रोवाइड करना सभी जो कस्टमर्स आते हैं लोगों को, वाईफाई और हर टेबल्स पे एक एक चार्जर पॉइंट्स है, सभी अपने चार्जेस लेके आइए आप बैठिए। और इसका एड्रेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र गुज़ार हूँ और मेरे माँ बाप का शुक्र गुज़ार हूँ जो इस काबिल लोग बने मुझे और मेरे भाई को कि हम लोग ये कर सकते हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिए थे माँ बाप मेरे इस काबिल बने, ये भरोसा रखिए कि कर सकते हो, कि करें उन लोग की जो परवरिश है हमारी, हम जो परवरिश किए हुए हैं हम लोग हमारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो परवरिश का जो भी है आप लोग देख सकते हैं। जो एड्रेस है अल हकीम कॉम्प्लेक्स नियर सालारजंग तारी हो अगर करो बिलो ग्रैंड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। थैंक यू जी सर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये जो सुबान बैठक है मेरे खास अजीज़ भाई आरिफ जुनेद सालारजंग जो आज ओपन की, अल्हम्दुलिल्लाह आज ओपन हो गई। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि अक्सर आप जैसा देखते आज जो यूथ है, आज जो नौजवान है, अक्सर जायके की तलाश में गुलबर्गे से हटके अक्सर दूर दूर जा रहे हैं, जैसे हैदराबाद जा रहे हैं और अपने वासव कल्याण जा रहे हैं, निजामबाद जा रहे हैं। तो हमारा इरादा और मकसद यही है कि वही जायका, वही मज़ा, वही लुत्फ आप यहाँ पर बैठ के आराम से इत्मीनान से फ्री वाईफाई में, फ्री मतलब चार्जर सॉकेट पॉइंट से नेचुरल वे में जो है उसमें आप उसका लुत्फ उठा सकते। तो हमारी दुआ गुजारिश है आप लोगों से ज़्यादा शिरकत फरमाइए और इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों का साथ हमेशा बरकरार रहेगा। और रही बात जायके की, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके ज़बान और आपके दिल दोनों को पसंद आए जाएगा।